हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एम एच टी सी टी एम सीक्यूज का मॉक टेस्ट थ्री का वीडियोस आई होप आपने इसका आप्यू सॉल्व कर लिया होगा एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आपका उसका सारा का सारा डाउट इस वीडियो सोल्यूशन को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आने के चांसेस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और इसीलिए वो क्वेश्चन हमने भी रिपीट किए हैं ताकि कम से कम पंद्रह अगर आप टेस्ट दो तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताना है ए बी ए मतलब क्या होता है एप्सिसिक एसिड जिसको हम स्ट्रेस हॉर्मोन बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा स्ट्रेस हॉर्मोन हमारे प्लांट के टोमाटो को क्लोज कर देगा

द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन एबीएस को क्लोज करता है और साइटोकाइनिन टोमाटा को ओपन करता है जब करना होता है तो साइटोकाइनिन ओपन हो जाता है जब ट्रांसपीरेशन नहीं करना होता है तो साइटोकाइन जो टोमाटा है वो क्लोज हो जाता है सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बायोपेस्टिड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक आपके बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं ये ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंगाए होते हैं जिसकी मदद से हम अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं अब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है सॉरी सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट में माइट्स दिया गया है माइट्स मतलब क्या होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हम माइट्स जो देखो जो आप डॉग के स्किन के ऊपर होते हैं लाल लाल कलर के कीड़े

हनी डाइजेस्टेड हनी पोलन ग्रेन मिक्सड सलाइवा और डायस्टेड तो इसके वजह से हमको रॉयल जेली मिलता है चलो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू थाइड ग्लैंड थाइड ग्लैंड के वजह से मतलब कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी थाड ग्लैंड में फॉलो नहीं होता है First point, it regulates basal metabolic rate. This is correct. It secretes thyroxine and calcitonin. This is also correct. Hypersecretion of thyroxine results in acromegaly. This is wrong. Acromegaly cub. कब देखने को मिलता है जब ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सेक्रेशन होता है सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन आयोडीन एंड टायरोसिन आर नेसेसरी सो दिस इज आल्सो करेक्ट तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ के बताना था एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस बाय आपका जो डीएनए है वो कौन सा प्रोसेस करके दिखाता है रेप्लिकेशन हमारा डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है सो डीएनए अंडर गोज रेप्लीकेशन टू मेक इट्स ओन कॉपी दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डैश सक्सीडेड इन ट्रेप सींग द फूड सप्लाई बट येट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब ये जो चार टेक्निक्स यहाँ पर दी गई हैं, इन टेक्निक्स की मदद से हमने फूड का क्वांटिटी तो इंक्रीज कर दिया लेकिन अभी भी हम पूरा पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उनको खाना नहीं दे पा रहे थे So, कौन से टेक्निक की वजह से फूड सप्लाई ग्रो हो गया था बाय जीन थेरेपी के वजह से नहीं बायो जीएमओ की वजह से नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से फूड का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ लेकिन फिर भी हम सब ह्यूमंस का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मे बी द कंपोनेंट सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू के अंदर कंपोनेंट सेल्स कौन से होते हैं होमोजिनस और हाइड्रोजीनस सेल्स नो लिविंग और डेड नो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू as stated in each of the above 3 no. thin walled or thick walled yes this is the right answer आपके परमानेंट इशू का थिन वॉल या थिक वॉल सेल्स रहता है उसी को हम यूज करते हैं which of the following statement gives incorrect information about plasma तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ के बताना है प्लाज्मा मतलब क्या होता है ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकाल दो तो ब्लड कॉर्पिकल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा यस प्लाज्मा लैक्स हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स ये गलत है प्लाज्मा के अंदर हॉर्मोन भी, भी होता है और एंजाइम भी होता है प्लाज्मा है सेवन परसेंट प्रोटीन्स करेक्ट प्लाज्मा कंटेन नाइनटी परसेंट वाटर करेक्ट तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्योर लाइन ब्रीड रिफर्स टू प्योर लाइन मतलब क्या होता है होमोजाइगस यानी या तो कैपिटल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी दोनों अलील सेम होना चाहिए तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन ग्लूकागोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय हमारे पैनक्रियाज में दो टाइप के सेल्स 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 होते हैं एंडोक्राइन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सेल को हम आइलेट ऑफ केन बोलते हैं और एक्सोक्राइन सेल को हम एसिनार सेल्स बोलते हैं तो ग्लूकागॉन हार्मोन आइलेट ऑफ लैंगरहैन के अल्फा सेल से बनता है बीटा सेल से इंसुलिन बनता है और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन बनता है सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर वाइट व्हाइट फ्लावर्ड रिसेसिव पी प्लांट फर्स्ट मतलब जनरेशन हुआ ये एक गैमेट और ये एक गैमेट मतलब दो अलीव में से एक गैमेट आप सिलेक्ट करते हो तो आपको एफ वन जनरेशन में क्या देखने को मिला एफ वन जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला रेड कलर के फ्लावर्स क्योंकि यहाँ पे आ, आर डोमिनेंट है तो ये फ्लावर रेड कलर का है अब इसका जब आप सेल्फिंग करोगे जब आप एफ वन का सेल्फिंग करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो इसका रेशियो हमको क्या देखने को मिलेगा इधर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर यानी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टोटल सेवेंटी रेड फ्लावर्स है और ट्वेंटी फाइव फ्लावर्स है तो कौन सा रेशियो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर वन सो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सबको डैश इज द करेक्ट स्टेटमेंट स्किन कैन नॉट टेक पार्ट इन थर्मो रेगुलेशन ओके स्वेट ग्लैंड ऑन द फेशियल स्किन ये रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है स्किन कैन टेक पार्ट इन दर्मल रेगुलेशन स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द फेशियल स्किन स्किन हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया ह्यूमन स्किन इज परमिएबल एंड थिन राइट आंसर डी जनरेशन ऑफ डीएनए आफ्टर हीटिंग कैन बी स्टडीड बाई कम्पेयरिंग वॉट बाय कम्पेयरिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइट सो जब आप अपने डीएनए को हीट करते हो तो आपका डीएनए जो है बीच में से ब्रेक हो जाता है तो अगर पहले आपके डीएनए में 100 न्यूक्लियोटाइड्स थे और ब्रेक होने के बाद आपके डीएनए में 50 न्यूक्लियोटाइड्स बचे इसका मतलब डीएनए डिक्रीज हो गया डिजेरेट हो गया। Which of the following is not a characteristic of Turner's syndrome? तो टर्नर्स सिंड्रोम में कौन सा कैरक्टर देखने को नहीं मिलता है? Normal menstrual cycle is present? No. Individual is phenotypically female. देखो इधर पे हमको क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक टर्नर सिंड्रोम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट यस इंडिविजुअल इज फिनोटाइपिकली फीमेल यस बार बॉडी इज एब्सेंट यस बार बॉडी मतलब एक्स्ट्रा गैमेट्स या एक्स्ट्रा पोलर सेल्स

हमारे हार्ट में जो वॉल्व प्रेजेंट है, है ताकि अपना ब्लड वापिस से पीछे की तरफ ना जा सके ओल्ड चेम्बर में ना जा सके एक बार कोई ब्लड अगर आगे आ गया तो ये पीछे नहीं जाना चाहिए सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट पढ़ो लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड

उसमें से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है तो जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूट फॉर्म होगा जितना कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना कम आपका ऑर्गेनिक पोल्यूट फॉर्म होगा डायरेक्ट प्रमोशनैलिटी इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सेवनटी परमिट्स वॉट इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमको किस चीज का परमिशन मिलता है हम अपने प्रोसेस का पेटेंट करवा सकते हैं यानी आपने कोई मेथड करके अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो वो मेथड फिर कोई और कॉपी नहीं कर सकता हाइब्रिड विगर इज मोस्टली ड्यू टू हाइब्रिड विगर मतलब क्या होता है जब आप दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को मिक्स करते हो और आपको नया सुपीरियर जीन्स देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर तो हाइब्रिड विगर का राइट right आंसर क्या आएगा हेट्रोजाइगोसिटी यानी कि आपने दो अलग अलग हेट्रोजाइगो जीन्स को मिक्स करके एक नया कुछ ऑर्गेनिज्म बनाया विच पोर्शन ऑफ ए नियोटिक जीन इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड देखो अपना ये ऐसा एम होता है एम आर एन ए के बीच बीच में हमको इधर पे इंट्रॉन्स देखने को मिलते हैं तो ये इंट्रॉन्स का ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया लेकिन इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर टू इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया ये एम आर एन ए में बन गया लेकिन इसके आगे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी कॉड लिवर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल कौन से फिशेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेज विच प्रोवाइड्स अस विटामिन डी एंड इज गुड फॉर डैश इज एन एक्साम्पल ऑफ सिम बायोटिक बैक्टेरियम सिम बैक्टेरियम मतलब खुद को भी फायदा और दूसरे को भी फायदा तो करेक्ट आंसर क्या आएगा राइजोबियम यह आपके रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है ये राइजोबियम बैक्टेरियम को रहने की जगह मिल जाती है और साथ ही साथ ये अपने रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है फिक्स करके देता है सो so रूट का भी फायदा बैक्टेरिया का भी फायदा वट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन हम इवोल्यूशन को कैसे काउंट करते हैं बाइ काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉपुलशन इवोल्यूशन को हम कैसे कंसिडर करेंगे पार्चुरशन तो बच्चे को डिलीवर करना मतलब पार्चुरेशन विंड पाइप अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग देखो इधर पे विंड पाइप किधर से आता है यह आपका लैरिंग्स है लैरिंग्स के आगे, आगे आपका ट्रैकिया बन जाता है और लैरिंग्स के ट्रैकिया के पीछे आपका ईसो फिगस होता है

जिकली डकनेक्टेड अगर कट कर दिया तो ये यह, यहाँ के स्पर्म्स कभी आगे जा पाएंगे क्या नहीं जा पाएंगे तो द स्पर्म क्या बोला गया है सीमेंट विल बी विदाउट न्यूक्लिया कुछ ऐसा लेना देना नहीं है ये स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं लेकिन आपका जो सीमेंट है जो आपके वाज डिफरेंस से जो लिक्विड आपके इजैक्यूलेटरी डब तक जाता है उसके अंदर जो स्पर्म होता है उसमें स्पर्म ही नहीं रहेगा क्योंकि आपने बीच में से वाज डिफरेंस को कट कर दिया है सो ऑप्शन नंबर टू इज दाइट आंसर

ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके क्या बनाता है ये फोर कार्बन कंपाउंड है ये टू कार्बन कंपाउंड है तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मड फ्रॉम एसिटाइल एंड एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड सो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सिक्स कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनऑथोराइज यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इंडीजी पायरेसी करना पायरेप्टिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लंग्स तो इधर पे आपको चार डिजीजे के बारे में बताया गया है सबके सब डिजीज लंग डिजीज है एक को छोड़ न्यूमोनिया ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा ये सब लंग इन्फेक्शन है लेकिन

मैंट्रोशन डे से अगर हम काउंट करेंगे तो कौन से डे में सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन वाले डे में जो कि फोर्टींथ डे को होता है सो ऑप्शन नंबर थ्री इज of वन ऑफ element सेल elongation इज एडवर्सली इफेक्टेड कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से हमारा सेल इलोंगेशन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है नाइट्रोजन के वजह से किसकी वजह से नाइट्रोजन की वजह से बिकॉज नाइट्रोजन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल ग्रोथ

सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर बीटी कॉटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला गया है दे हैव लॉन्ग फाइबर एंड दे आर रेजिस्टेंट टू एफिड्स। नो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू एफिड्स। दे हैव लो यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन यस, दे डू प्रोड्यूस टॉक्सिन लेकिन ये टॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के पेट में जाने के बाद ही एक्टिवेट होती है और इनका ईल्ड लो नहीं होता है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग

तो ऑंकोमाइकोसिस क्योंकि नेल में पूछा है ना तो नेल में ऑंकोमाइकोसिस होता है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर डैश के नॉट अक्वायर इम्यूनिटी कौन से पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से इम्यूनिटी अक्वायर नहीं कर सकते वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी मिलता है सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बार बार आपकी बॉडी में आएगा तो भी आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है

दोनों के बीच में जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है उधर पे आपका एसिटल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है इधर पे आपका एसिटल को बनता है सो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू इधर तक सबको समझ में आया है परफेक्ट ऑल राइट तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टैक डी एन ए पॉलीमरेज एनजाइम इज द बेसिस ऑफ पीसीआर वॉज अ डिक्लेय मॉलिक्यूल ऑफ दाइनटीन एटी फाइव हुजो हम जो हम आर रिएक्शन में यूज करते हैं

यस एवरीबडी सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं सेल्स बाइल जूस सेक्रेट करते हैं लिवर सेल्स में कोई एंजाइम नहीं होती है आपका जो पेपर है उसमें आपको एंजाइम ये करेक्ट आंसर दिया गया है बट करेक्ट आंसर इज नॉट सॉरी लाइपेज करेक्ट आंसर दिया गया है बट लाइपेज इज नॉट द राइट आंसर राइट आंसर क्या आएगा बाइल जूस एंड नो एंजाइम्स ये जो बाइल जूस होता है ये बाइल जूस लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो बिना बाइल जूस के लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा बट लिवर सेल्स से लाइपेज नहीं बनता है लिवर सेल्स से बाइल जूस बनता है और बाइल जूस लाइपेज को एक्टिवेट करता है तो आपको जो थर्ड आंसर राइट दिया है ये एक्चुअली रॉन्ग है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर कभी कभी सीई में भी ऐसे रॉन्ग प्रिंटिंग हो जाती है या रॉन्ग आंसर सिलेक्ट हो जाता है बट यू हैव टू स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन

प्रमोशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस आर डन बाय देखो ये जो आपके मसल का ग्रोथ है आपका कनेक्टिव टिश्यू आपका सेल डीएनए आरएनए ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सारे प्रोसेसिस कौन करता है ये सारे प्रोसेसिस हमारा सोमैटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन करता है यानी जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि मसल की ग्रोथ बोन्स की ग्रोथ कनेक्टिव टिश्यूज की ग्रोथ होगी तो ही आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी नेक्स्ट क्वेश्चन वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर एबल टू इंटीग्रेट इन द होस्ट क्रोमोजोम आपके ये जो प्लासमेट होते हैं ये होस्ट क्रोमोजोम में घुसने के बाद खुद का सेल्फ रेप्लीकेशन कर लेते हैं सो so, ये दोनों ऑप्शन नंबर थ्री भी राइट right है लेकिन इधर पे सिर्फ रेप्लीकेशन बोला है इंटीग्रेशन वाला पॉइंट नहीं दिया इंटीग्रेशन यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाना सो दिस इज फिफ्टी परसेंट राइट एंड फिफ्टी परसेंट इनकम्प्लीट सो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे

स्पोर्ट्समैन के एंडोक्राइन ग्लैंड से एड्रेन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और एड्रिन हार्मोन को हम एक्साइटमेंट हार्मोन बोलते हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को तीन गुना ज्यादा फास्ट कर देता है तो स्पोर्ट्स पर्सन का हमेशा चेकअप किया जाता है बिफोर एनी कंपटीशन। अगर उनके ब्लड में कोई भी स्टेरॉइड पाया गया तो उसको डिसक्वालीफाई करके उसको बैन कर दिया जाएगा बहुत सारे ऐसे इंडियन स्पोर्ट्समैन हैं जिनको बैन कर दिया गया था एक फेमस बॉक्सर भी है जिनके साथ ऐसा हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए वन इज द राइट आंसर Which one of the following combinations in which individuals will have maximum genetically active DNA? देखो अपना ये X क्रोमोजोम है और ये अपना Y क्रोमोजोम है। ये X है और ये Y है। ज़्यादा बड़ा कौन सा होता है X क्रोमोजोम? तो ज़्यादा जीन्स किसमें होते हैं X क्रोमोजोम में? अब जिसके अंदर ज़्यादा जीन्स हैं, ज़्यादा डीएनए हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होगा। जिसके अंदर कम जीन्स हैं कम डीएनए है वो लेस एक्टिव होगा सो ज्यादा एक्टिव डीएनए हमको किसमें फीमेल्स के क्रोमोजो में यानी कि ऑप्शन नंबर नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं सो ऑप्शन नंबर बी इज दॉरी फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स यानी दोनों एक्स क्रोमोजोम यानी कि फीमेल्स में ज्यादा एक्टिव डीएनए होता है सो ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर पॉकीजियल स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन इज जियल यानी आपके कॉकिक से कितने स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट होके निकलते हैं सिंपेथेटिक और नर्व्स नर्व सिस्टम में हमने देखा था ओनली वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम कॉकिक्स रीजन किडनी ऑफ वर्टिब्रेट रिसम्बल विद कॉन्ट्रेक्टाइल ऑफ प्रोटोजो इन देखो वर्टिब्रेट का किडनी क्या करता है इट एक्सपेल्स एक्सेस ऑफ वाटर प्रोटोजोवन के अंदर यूरिया या यूरिक एसिड नहीं होता है ग्लूकोज नहीं होता है क्योंकि ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते डोट हैॉल्ट दे है एसेस ऑफ वाटर एक्सक्रीट किया जाता है

एक्स सीड में देर इज नो एंडोस्पॉर्म सो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल्स मेंडल्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड इन को किसने पब्लिश किया था और किधर पब्लिश किया था किसने किया था वो तो आपको पता होना चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे यानी आगे उसका क्वेश्चन देखेंगे सोसाइटी ऑफ ब्रून का जो जर्नल होता है उस जर्नल में मेंडल का एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल नेचर ऑफ सिल्क सिल्क इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन ये आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था इलेवेंथ स्टैंडर्ड में silk एक टाइप का प्रोटीन मोलिक्यूल है किसी पर्सन को, किसी को डॉग ने काट दिया है और उसके बॉडी में रेबीज का इंफेक्शन फैल सकता है तो उस पर्सन को हम एंटीबॉडीज देते हैं कौन सा एंटीबॉडीज देते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी मतलब पहले कि यह एंटीबॉडी किसी और एनिमल में बनाते हैं और फिर वो रेडीमेड इम्यूनिटी एंटीबॉडी हम पर्सन को इंजेक्ट करते हैं ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में हमने पढ़ा था नेचुरल इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओके टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टी सेल्स इन इम्यूनिटी देते हैं करेक्ट है बट कम्प्लीटली पहले सारे ऑप्शन देखो एक्टिव इम्यूनिटी नो

ऑसिन इज नथिंग बट योर कैल्सिफाइड बोन यानी कार्टिलेज के सेल्स कोलेजन इज अ फाइबर प्रोटीन फाइबर लेकिन फंक्शनल प्रोटीन पूछा तो एंजाइम इज द एक्टिव फंक्शनल प्रोटीन रिसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिय अ फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम विच प्रोसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस अगर आपका इकोसिस्टम रिसाइक्लिंग में बिलीव करता है तो कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन कंजम्पन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे और उसको कंज्यूम करोगे तो वो तो अच्छा है Uh, लेकिन उसके साथ साथ उसका हमको डीकम्पोजिशन भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ओके सो दिस इज दिसम्प्लीट दिस इज एंड दिस दिस इज 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 द आंसर इन रोज रोज अफेक्टेड बाय में इजेक्टेडिनेशन कौन करता है इंसेक्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन पैराथ हॉर्मोन इधर पे टी आएगा पैराथ हॉर्मोन इज अ डैश हार्मोन हमने पढ़ा था देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन के अलग अलग केमिकल नेचर पढ़े थे सो पैराथ हॉर्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन ओके ड्रोन्स आर ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था रिटेंशन वेरिएशन में आपके जो बीज होते हैं हनी बीज होते हैं उनमें से जो ड्रोन होते हैं फर्टाइल uh, इनके अंदर एलिमेंट्स नेक्रोसिस बट नॉट क्लोरोसिस इन प्लांट नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डैमेज तो कौन से एलिमेंट की वजह से है? हमारे प्लांट्स में टिश्यू डैमेज होता है कॉपर के आयन के वजह से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉन सेफ्फलॉन रॉनन सेफ्लॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑल्फैक्ट्री लोब रॉनन सेफलॉन रॉम्बिन सेफ्लॉन मेसन सेफलॉन टेलिन सेफलॉन ऐसे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे हमने ऑल्फैक्ट्री लोब फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन तो अल्फेक्ट्री लोब को हम बोलते हैं राइनन सेफलॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर टारगेट ऑर्गन ऑफ ल्यूटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन एल टी एच हार्मोन इज मैमरी ग्लैंड क्योंकि ये मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन डाय condition कंडीशन सीन इन पपाया प्लांट प्रिवेंट्स डाय मतलब क्या होता है बेटा डाई यानी कि एक प्लांट पे एक ही टाइप का फ्लावर होगा या तो मेल या तो फीमेल तो उसके वजह से ना तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना जिटेनोगेमी होगी यानी एक प्लांट पे एक ही सेक्स का फ्लावर है या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज स्टार्च कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनता है बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर इट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स

Saturated fatty acids have double bonds. कितने double bonds होते हैं saturated fatty acid में? या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या जीरो डबल बॉन्ड होते हैं saturated मतलब क्या होता है? नो डबल बॉन्ड्स विल बी द राइट आंसर में डबल बॉन्ड होता है प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विध प्राइमरी से स्टार्ट होता है लाइकन से लाइकन से बनते हैं आपके हर्ब्स हर्ब से बनते हैं ट्रीज और फिर एनिमल्स अलग ऑर्गेनिजम्स हैं द ब्लड ग्रुप सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल कार्लैंडीनर ये थ्योरी में पहला लाइन दिया है चैप्टर नंबर टेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर द ट्रांसपीरेशन रेशियो दैट इज वॉटर एंड कार्बन एसिमेशन इज यूज टू मेजर वॉट

ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक बार हार्ट फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो उसको हम वन साइकिल बोलते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज स्टिम्युलेटेड बाय एंटीजन दिस इज नोन एज व्हाट आपका एंटीबॉडी फॉर्मेशन कब होता है एंटीजन जब आ जाता है तब यानी एंटीजन के एंटीजन के आ, आ, ये इफेक्ट के वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द कोडेड ए टी ए सी जी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है तो हमको एम आर एन ए में क्या देखने को मिलेगा एम आर एन ए में टी की जगह पे यू देखने को मिलेगा ये याद रखो तो ए के साथ टी बाइंड करता है सॉरी तो इधर पे यू आएगा टी के साथ ए बाइंड करता है ए के साथ यू सी के साथ जी और जी के साथ सी अब ये सीक्वेंस चेक करो किधर पे है ये यू ए यू जी सी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश एंड डैश इज डिजीज कंडीशन इन विच अ पर्सन पासस आउट वाटर इज स्टूल फ्रीक्वेंटली वाइल डैश एंड डैश इज नोन एज इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ डैश ऑफ ड्राई स्टूल फ्रीक्वेंटली जब आप पॉटी करते हो तो उसको हम बोलते हैं डायरिया और जब आप स्टूल्स निकालते ही नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर

डरीस्यू फॉर्म एंडोस्पम न्यूक्लियस राइट इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एच डी नवास्टी एंडस्पम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सो ऑप्शन नंबर वन इज रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएशन ऑफ सी एनिमोन विथ हर्मिट क्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट आपका सी एनिमोन हर्मिट क्रैप के साथ कौन सा एग्जाम्पल दिखाता है प्रोटोको ऑपरेशन आपके थियोरी में है ये चैप्टर नंबर थर्टीन

ऐसे नोड का काम पेस मेकर कर सके लार्जर सब यूनिट ऑफ इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स लार्जर सब यूनिट हमारा कितने मॉलिक्यूल से से बनता है दो मोलिक्यूलोगी इन फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर नो फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट यस येस ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम अनदर प्लांट नो ये तो जीनोगेमी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट नो दिस इज ऑल्सो नो सो ऑप्शन नंबर टू इज क्वेश्चन द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई बी टॉक्सिन आफ्टर इन डाइजेशन बाय इंसेक्ट इज जब आपका कोई भी इंसेक्ट बीटी टॉक्सिन खा लेता है तो उसके गट में क्या प्रोड्यूस होता है टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से स्वेलिंग होती है और हमारा इंसेक्ट मर जाता है सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर

फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताओ एनर्जी इज रिलीज इन अज स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाई एनजाइम्स ग्लाइकोलिसिसकल इटीसी सब एंजाइम्स की मदद से होता है और एनर्जी धीरे धीरे प्रोड्यूस होती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी मोर रिस्पॉसिबल टू कॉज पॉल्यूशन कौन से एक्टिविटी की वजह से ज्यादा पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज्यादा वाटर पोलूशन और एयर पोलूशन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग बायो पेटेंट हैज ब्लॉक्ड इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट कौन से बायो पेटेंट के वजह से क्रॉप प्लांट का इंप्रूवमेंट हमने ब्लॉक करके रख दिया है बायो पेटेंटिंग फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर ऑफ ब्रासिका फैमिली इसके बायो पेटेंट के वजह से वी कैन नॉट परफॉर्म एनी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ऑन ब्रासिका फैमिली फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यह आपका एक्सेल है यह सिनर्जेट्स है ये मेल गैमेट है सो एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर आई होप आपको सारे डाउट्स का सोल्यूशन मिल गया होगा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू स्टेट यून ऑल द बेस्ट सी यू सून